Do one thing. Compare the mark sheets of the last 10 UPSC toppers. You'll be shocked to find that in GS papers 1, 2, 3 and 4, almost everyone scores around 100, 120. Only a handful of toppers score above 120 in any particular GS paper. So, what's the real secret? The one you might be missing that all these toppers know. It's the optional subject essay writing and ethics. Together, these domains carry a massive weightage of 1,000 marks. And the easiest and most consistent optional subject to score in? Sociology. But remember, to score good in sociology, you will always need a critical and sociological thinking. Vikas Ranjan sir ki Vikas Ranjan sir I had joined Vikas Ranjan sir Trim Pius Vikas Ranjan sir Vikas Ranjan sir Vikas Ranjan sir Vikas Ranjan sir here. And all these toppers developed it and prepared for sociology and essay writing by joining Vikas Ranjan Sir's sociology optional and essay writing program and used Triumph IAS resources for sociology, essay writing and general studies. Plus, they receive continuous daily one-on-one interaction with Vikas Ranjan Sir after class, either on call or WhatsApp. That's the kind of dedication you get from him. He's always available for his students. Don't think much, join now. Hello everyone, my name is Nikhil Singh and I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. I have secured All India Rank 1 in Indian Statistical Service Examination. First of all, I would like to thank my family, teachers and friends for supporting me throughout the entire journey. बात करें इस examination की तो इसमें total 6 paper होते हैं. एक paper general English का और एक general studies का होता है और बाकी 4 paper subject specific होते हैं, statistics से related होते हैं. बात करें general English की तो इसमें 100 मार्क्स के होते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के पेपर. जनरल इंग्लिश में के लिए मैंने ये किया था कि ऐसे राइटिंग के लिए उसमें मैंने 5-6 टॉपिक्स पे ऐसे लिख के पहले से रख लिए थे, जैसे पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, G20 हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया. और प्रेसे राइटिंग के लिए मैंने वही प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन कर लिए थे अच्छे से. और अब बात करें करेक्शन के लिए तो मैंने करेक्शन के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को प्रेफर किया था. फिर बात करें जनरल स्टडीज की तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट हिस्ट्री होता है, सेकंड ज्योग्राफी होता है, थर्ड इकोनॉमिक्स और फोर्थ पॉलिटी. तो हिस्ट्री के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स को प्रिफर किया था और 11th 12th की एनसीईआरटी को. और बाकी प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन मैंने करके रख लिए हुए थे. और आईएएस के भी क्वेश्चन जो हमको लगे कि इस एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं तो हमने उसको कर लिया था. और जियोग्राफी के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की साइट्स को प्रेफर किया था, वहाँ से डेली आंसर राइटिंग आते थे तो हम वहाँ से वीक में एक दो दिन कर लेते थे, मतलब एक दो दिन पेपर कर लेते थे अच्छे से. और फिर आप 11th 12th की एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हैं जियोग्राफी के लिए. और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वाजीराम आईएएस के नोट्स को फॉलो किया हुआ था और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और फिर वही दृष्टि आईएएस की साइट से मेन्स आंसर राइटिंग्स के आते हैं तो वहाँ से मैंने उसको कर लिया हुआ था. और बात करें पॉलिटी के लिए तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक्स फॉलो करनी है और वहाँ से सब टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बस जो टॉपिक बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आपको इन सबको अच्छे से कर लेना है. और ये ट्राई करिए कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के रख लीजिए और वहाँ से ये ट्राई करिए कि आप जब भी पेपर करें तो टाइम बाउंड कर लें, हम इतने टाइम में इतने क्वेश्चन को ऐसे करना है. बात करें स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 की तो इसके लिए मैंने इसमें 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिकल मेथड, सेकंड न्यूमेरिकल एनालिसिस और थर्ड कंप्यूटर. तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने गुप्ता कपूर को फॉलो किया था, उसके सारे एग्जांपल्स, रिमार्क्स और एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जिसमें हिंट और रिजल्ट जिनके दिए होते हैं वो क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ था. और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और आईएएस के क्वेश्चन और आईएफएस के क्वेश्चन आप उसको अच्छे से कर लीजिए. और आप चाहें तो प्रसन्ना साहू की बुक भी फॉलो कर सकते हैं और गुण गुप्ता दास गुप्ता की बुक भी काफ़ी अच्छी है फर्स्ट पार्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स के. और इसके लिए और आप ट्राई करिए कि आप 40 क्वेश्चन जब भी करिए, इसमें इस सेक्शन के 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप ट्राई करिए 40 क्वेश्चन आपके 1 घंटे से ज़्यादा समय ना लें, इसको 1 घंटे में आप कर लीजिए जब भी ट्राई करें. आप ऐसे करिए कि आप पेपर कर ही रहे हैं, ये नहीं कि हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने यशी सक्सेना को प्रेफर किया हुआ था और उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने किए हुए थे. और ये ट्राई किया था कि अपने से क्वेश्चंस बनाए क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि इसके तो क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं बहुत ज़्यादा, तो हमने इसको खुद से क्वेश्चन बनाए थे और इसको ट्राई किया था कि 20 क्वेश्चन हमारे 40 से 45 मिनट में हो जाएँ. और बाकी आप ये करिए कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए इसके और पेपर तो अवेलेबल हैं 2010 से आप आईएएस के, वहाँ से आप करिए. और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2016 से अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं.
और आप ट्राई करिए कंप्यूटर के लिए, आपको ई बाला गुरुस्वामी पढ़ना चाहिए। हमने ई बाला गुरुस्वामी को ही प्रेफर किया था, उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया था। और फर्स्ट इस सेक्शन के लिए आपको करना है कि आप पेपर हमेशा सॉल्व करिए। आप पेपर जब भी ट्राई करें आईसीएस के पेपर लगाएं, जहां जितने साल के अवेलेबल हैं आप उसी से शुरू करिए। और हर साल हर मतलब एग्जाम आए तो आसपास आए तो आप ये ट्राई करिए कि पेपर दो तीन पेपर आप एक दो दिन में करिए जरूर। बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू के लिए मैंने इंफ्रेंस के लिए गुप्ता कपूर को फॉलो किया था, और गुण गुप्ता दास गुप्ता और वी के रोहतगी की बुक, ये तीन बुक हमने फॉलो की थी। और इसमें ट्राई करिए आप इंफ्रेंस में गुप्ता कपूर के पहले तो सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसमें आपके लगे होने चाहिए। और आप ट्राई करिए सीएससी के सारे क्वेश्चन और आईएफएस एग्जाम के सारे क्वेश्चन या उनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और आप ट्राई करिए कि इसके क्वेश्चन करते हुए आपको कि सारे रिजल्ट्स जितने हैं इन्फ्रेंस में 20-25 रिजल्ट्स होंगे, वो सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को कर सके। और इसमें आप जितना क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना ये हेल्प करेगा सेकंड पेपर में इन्फ्रेंस पार्ट के लिए। और उसके बाद आप लीनियर मॉडल के लिए आप सलभ सर, मैंने सलभ सर के नोट्स और अपने कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया था। और वहाँ से उसके बाद मैंने जितने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन थे तो मैंने उस सारे क्वेश्चन को किया हुआ था। और उसके साथ साथ ऑप्शंस में भी प्रीवियस ईयर्स में लीनियर मॉडल में ऑप्शन से सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें हर एक ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बनता है। तो आप ट्राई करिए कि आप खोजने की कोशिश करिए इस ऑप्शन से आप क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अगर उस क्वेश्चन को कर पाए तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बात करें ऑफिशियल स्टैटिक्स के लिए, तो इसके लिए मैंने मोस्पी की साइट्स को प्रेफर किया था और वहाँ से अपने नोट्स बनाए हुए थे। और बाकी आप डिफरेंट मिनिस्ट्री की साइट को विजिट कर सकते हैं, जैसे आपको सेंसस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट को विजिट करना चाहिए। और वहाँ से बस अबाउट में जितनी चीज़ें दी हूँ फर्स्ट पेज पे उतना आप करिए। और जैसे एग्रीकल्चर सेंसस के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की साइट्स को प्रेफर करिए और ट्राई करिए कि आप वहाँ से बस एक दो पेज में जो शुरू की है अबाउट्स में उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और इसके बाद आप क्या करना है, सेकेंड पेपर में आपको जितने पेपर अवेलेबल हैं आप उस पेपर को दो तीन बार तो जरूर कर जाइए पूरे आईएसएस के पेपर। उसके बाद आप ट्राई करिए कि जैसे इन्फ्रेंस पार्ट है और आपका इसमें लीनियर मॉडल है, तो इन्फ्रेंस और लीनियर मॉडल में आप ट्राई करिए कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। लेकिन लीनियर मॉडल में आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो और इन्फ्रेंस में तो आपके क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। और इसके लिए आप ट्राई करिए कि वी के रोहतगी भी अच्छे से उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें पेपर थर्ड की, तो पेपर थर्ड एक अकेला पेपर ही बाकी पेपर के सिलेबस के इक्वल होता है, तो एक काफ़ी इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो आप इसमें ट्राई करिए कि इसको इस पेपर को अच्छे से करिए जिससे आपके मार्क्स इसमें 100+ आए। तो इसके लिए मैंने सैम्पलिंग्स के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया था और गुप्ता कपूर्स के जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छे से किया हुआ था और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन और उसको लिख के रख लिया था। और अब ट्राई उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और उसके साथ साथ मैंने सीएससी के सारे क्वेश्चंस जितने सैम्पलिंग्स के थे पूछे हुए हमने उसको अच्छे से किया हुआ था। और आईएफएस एग्जाम के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं डायरेक्ट रिजल्ट वहां से कि सैम्पलिंग में जो क्वेश्चन आईएफएस एग्जाम में आ रहा था डायरेक्ट पूछ देते हैं आपके आईएफएस एग्जाम में। तो आप ट्राई करिए वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सैम्पलिंग के हुए रहे। बात करें इकोनॉमेट्रिक्स, तो इकोनॉमेट्रिक्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि आप दामोदर दो बुक फॉलो करिए, एक या दो बुक कोई फॉलो करिए। तो मैंने दामोदर गुजराती को फॉलो किया था और सलभ सर के नोट्स को प्रेफर किया था और खुद से अपना नोट्स बनाया था। और ट्राई करिए कि इसके नोट्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, आपके नोट्स 40-50 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। और बात करें डिमांड एनालिसिस और इंडेक्स नंबर के लिए, तो आप उसके लिए गुप्ता कपूर को प्रेफर करिए और वहाँ से अप्लाइड वाली बुक और वहाँ से सारे क्वेश्चंस उसके एग्जांपल्स और वहाँ से अपने नोट्स बनाइए। अपने लैंग्वेज में किसी और के नोट्स को प्रेफर ना करें, अपने लैंग्वेज में बनाएंगे तो आप जितना आप यहाँ लिखेंगे उससे आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, तो आप उसको एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। और फिर बात करें आपकी टाइम सीरीज के लिए, तो टाइम सीरीज के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स और गुप्ता कपूर को ही प्रेफर किया था और एक ट्राई किया था कि उसके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम जरूर से जरूर कर लें, कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना। और इस पेपर के लिए आंसर राइटिंग मस्ट है, आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने सारे ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए थे अच्छे से। और उसके लिए उसके आंसर राइटिंग में हमने ये ध्यान दिया था कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको हम 9-10 मिनट में कर ले जाएँ और जो 15 मार्क्स के हैं उसको हम 13-14 मिनट में उस क्वेश्चन को कर ले जाएँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको।
फिर बात करें आपकी फोर्थ पेपर की, तो फोर्थ पेपर में टोटल 6 पेपर होते हैं, आपको उसमें से 2 चूज करने होते हैं। तो मैंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस और डेमोग्राफी को चूज किया था क्योंकि इन दोनों पेपर में मेरा इंटरेस्ट था। आप उस सब्जेक्ट को चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने NPTEL के लेक्चर से वहाँ से अपने नोट्स बनाए हुए थे और 2 बुक फॉलो की थी, जॉनसन्स की और एक TW एंडरसन की मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अच्छे से, और ये ट्राई करिए कि आप इसमें भी CSC के सारे क्वेश्चंस कर डालिए क्योंकि इसमें CSC में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और IFS एग्जाम के। और ट्राई करिए इसके लिए भी आप आंसर राइटिंग करिए, आप एक आवर और 30 मिनट से ज़्यादा पेपर इसको लिखने में ना लीजिए। बात करें डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी के लिए मैंने गुप्ता कपूर को प्रेफर किया था और वहाँ से ये ट्राई किया था कि उसके सारे गुप्ता कपूर में जितने चीज़ें लिखी हों उन चीज़ें हमारे नोट्स में हो और बहुत ज़्यादा नोट्स बड़ा ना हो। और फिर वही करना, आपको यहाँ से उसके गुप्ता कपूर के सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं और साथ साथ एग्जाम्पल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज के भी सेलेक्टेड क्वेश्चन करने चाहिए इसके। और इसके बाद मैंने आंसर राइटिंग इन सब के लिए मस्ट है, आप ट्राई करिए कि जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे और उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा इन सब पेपर में। एक चीज़ बस ध्यान करिए कि आपका 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कंसिस्टेंट रहिए और हार्डवर्क करते रहिए। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी आती चली जाएंगी, कोई दिक्कत उन चीज़ों में होगा नहीं। इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू फेस में आते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपको अगर आप पहले अपने मार्क्स देख लीजिए, 2 मंथ बाद रिजल्ट आता है, तो आप ट्राई करिए कि अगर आप अपने मार्क्स एनालाइज कर लीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 500+ हो रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप इंटरव्यू के लिए ही बस प्रिपेयर करिए, लेकिन अगर उससे कम आ रहे हैं तो आप साथ साथ फिर से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू कर दीजिए। ये आपका मतलब टेंशन कम कर देगा आगे आके एग्जाम में, क्योंकि इंटरव्यू आपका होगा दिसंबर में, तब तक आपका काफ़ी टाइम जा चुका होगा। तो बात करें आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने सब्जेक्ट्स थे आप उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उनके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें उनके बारे में आप जानकारी रख लीजिए थोड़ा बहुत कि हमको हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है। और इंटरव्यू के लिए ऑफिशियल स्टैटिक्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ट्राई करिए ऑफिशियल स्टैटिक्स के हर एक चीज़ को आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उनको कहाँ अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, क्या इसमें पूछ रहा है, आप वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि आपको ऑफिशियल स्टैटिक्स पे ही सारे वहाँ काम करने हैं। और बाकी बात करें बाकी पेपर्स की, जैसे सैम्पलिंग, इकोनॉमेट्रिक्स, तो आप इनको ट्राई करिए कि इनके प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये ट्राई करिए कि एक कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे अप्लीकेशन ही पूछेंगे कि आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस पर कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये ट्राई करना है कि आपके जो ऑप्शनल पेपर उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट, तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़िए आप, क्योंकि आपको वहाँ से डीपली बात करेंगे, वहाँ से आपसे काफ़ी अंदर जाके चीज़ें पूछेंगे। और फिर आपको ये ट्राई करना है कि जितनी भी चीज़ें आप इंटरव्यू फेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उतनी चीज़ें आपको आप किसी से क्वेश्चन दे दीजिए, अपने घर के या किसी फैमिली मेंबर को क्वेश्चन दे दीजिए और वो आपसे पूछे क्वेश्चन, और आप उनको ट्राई करिए कि आप उनको एक बोर्ड मेंबर की तरह ट्रीट करिए और उनके सारे क्वेश्चन के आंसर उसी तरह दीजिए, और फिर उनसे पूछिए कि हमने क्या गलती की क्या नहीं की, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में अभी आप कहाँ लैग कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए आप चाहे तो कोचिंग भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए अगर आपसे चीज़ें हो जा रही हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप कोचिंग आ सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैंने बेसिकली कोचिंग किया हुआ था, मैंने ISS कोचिंग लखनऊ से कोचिंग ली थी और वहाँ से हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे मेरा 1st-2nd पेपर थोड़ा उतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं था, तो मैंने वहाँ से मुझे यहाँ से काफ़ी चीज़ें 1st-2nd पेपर में सीखने को मिली सर से। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, अगर आपको सेल्फ स्टडी से वो चीज़ें हो जा रही हैं तो आप ट्राई करिए आप सेल्फ स्टडी ही करिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी जब करें तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हाँ हमसे एग्जाम हो जाएगा। और आप ट्राई करिए कि आपका फ्रेंड सर्किल 2-3 लोगों का हो जिनके पास आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप उनको सेंड करिए, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको सेंड करें, आप उनको सोल्यूशन बताइए, आप वो आपको सोल्यूशन बताएंगे, तो इससे आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं किसी अपने सीनियर से बात करिए तो वो चीज़ें वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे आप उसे क्या हो जाएगा कि आप दो लोग
एक ही चीज को पढ़ेंगे तो वहाँ दो माइंड काम करेंगे तो काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो हम मेरा भी दो तीन लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग ट्राई करते थे कि जो क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं आ रहे हैं तो हम उन क्वेश्चंस का पीडीएफ बना लेते थे, उसके बाद एक वीक में किसी भी मतलब वीक के अंत में हम उनको क्वेश्चन को सेंड कर देते थे दूसरे के पास कि ये क्वेश्चंस तुम देख लो और बाकी उनको जो नहीं आता था वो हमको सेंड कर देते थे। तो इस तरह हम लोगों के पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे, तो ये हमको काफी हेल्प करता था कि आप इसलिए आपको ये ट्राई करना कि आपके दो तीन अच्छे दोस्त हों जब आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हों। और बाकी बात करें तो आप हमेशा इस एग्जाम को आप मोटिवेट इस तरह रहिए कि हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। जब हमको लगता है कि आप इस तरह के रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पहले तो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, उन लोगों से तो दूर ही रहना आपको जो आपको डिमोटिवेट करें, आप उनसे दूरी बना के रखें। और आप ये ट्राई करिए कि आप जो चीज़ें करें उसको अच्छे से करिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपना 100% दीजिए, आपको 100% सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी इस चीज़ में। ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, पहले दो अटैम्प्ट तो मैंने बिना बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, बस मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए दे दिया था, उसमें मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन बस मैंने देखने के लिए पेपर की हम कितना कर पाते हैं उसको दे दिया था। उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट में मैंने कोचिंग की थी और मैंने ट्राई किया था कि चीज़ें अच्छे से कर लें और मुझे लगा था कि इस बार मेरा हो जाएगा और वहाँ उसमें दिया, लेकिन मैं मेरे कुछ मार्क्स से थर्ड अटैम्प्ट में इंटरव्यू के लिए रह गया कि इंटरव्यू में भी सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू फेस के लिए। तो फिर मैं मेरे पिछले तीन अटैम्प्ट में ये गलतियाँ थी कि मैंने ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे नहीं किया था, आंसर राइटिंग पे पहली बात तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, बस मैंने वही क्वेश्चंस जो हमको जो प्रीवियस ईयर्स के आए क्वेश्चंस थे बस उन्हीं पे फोकस किया था और बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लगाई थी कि हाँ इससे ये चीज़ भी पूछ सकती है। तो मेरी ये दो तीन गलतियां थी, जैसे मैंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी। आंसर राइटिंग तो आप इस एग्जाम के लिए मस्ट है, आप थर्ड फोर्थ पेपर आपको सिलेक्शन दिला सकता है इंटरव्यू फेस के लिए, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके फर्स्ट सेकंड पेपर में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो आप फोकस करिए कि आपके चारों पेपर्स इक्वली अच्छे हों तो तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मेरी यही गलतियाँ थी पिछले अटैम्प्ट में कि मैंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी, चीज़ों को बस यही था कि हाँ पढ़ लिए तो हम इसको कर ले जाएंगे और नोट्स मेरे अच्छे नहीं थे। और आप ट्राई करिए कि आप 60 नोट्स आपके होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, और 60 नोट्स ये हेल्प करेगा कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम आपकी टेंशन कम कर देगा कि आपको इतनी चीज़ें रिवाइज करनी है, ऐसी रिवाइज करनी है। और जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो हमको लगा कि एग्जाम मेरा हमसे नहीं हो सकता, लेकिन हमने फिर मेरे सर ने हमको मोटिवेट किया कि तुम करो बेटा, अगर एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि अगर चीज़ें तुमसे नहीं हो रही हैं तो फिर किसी से नहीं हो सकती, तो ये चीज़ हमेशा रखो। और लेकिन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है कि हाँ हम इस एग्ज़ाम को कर ले जाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। और आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मेरे फोर्थ अटैम्प्ट थे, 4 साल लग गए, लेकिन हम कभी डीमोटिवेट नहीं हुए कि हाँ एग्जाम हमसे नहीं हो सकता। हमको एक चीज़ लगती है कि अगर एग्जाम मेरा हो सकता है तो कोई भी अगर अच्छे से प्रिपेयर किए करेगा और हार्डवर्क और कंसिस्टेंट रहेगा तो उसका जरूर से जरूर एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी।